हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस विद योर दलजीत सर। बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। वी कैन रीड डिफरेंट काइंड ऑफ दिस, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पहले तो एक पॉइंट पढ़ते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फिर उनको कंबाइन करते हैं, निकालने का एक तरीका देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिसमें आप उसको निकालते हो, ठीक है। बात फर्स्ट आपके पास ऑर्डर की आ रही है, फर्स्ट आपके पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि आपके पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है आपके पास बिटवीन टू न्यूक्लियाई एटम। इनके बीच की या द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू आपका सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ये आपके पास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ क्या हमारे पास क्या, टू बैंडेड टू बॉन्डेड सेंट्रल या एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाई वो आपके पास, बॉन्ड लेंथ, ये आपके पास है। इसको हमने कहा टोटल डिस्टेंस, तो हमने इसको क्या कह दी है, इसके हमने कहा आर ए और इसकी क्या हो गई आर बी, क्लियर। तो हमने रेडियस माना, इनके हमारे पास स्मॉल की आर ए है, दूसरे की क्या है आर बी है, ठीक है। हमारे पास इसको एक्सप्रेस करते हैं हमारे पास इन एंगस्ट्रॉम में, किसको, बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एंगस्ट्रॉम, या आपके पास कहते हैं इसको पिको मीटर। एंगस्ट्रॉम आपके पास कितना होता है, 1/10^-10 मीटर या 1 पिको मीटर 10^-12 मीटर, सिंपली आपके पास दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। आपने पता है भाई, हम कहते हैं कि व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर्स, व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर्स क्या होता है हमारे पास, अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या हुआ अट्रैक्शन, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स क्या होती है आपके पास, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। इसमें आपके पास दो पर्टिकुलर आपके एटम आए, दोनों क्या आ रहे, कम क्लोजर आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हमारे पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कम होने लग जाती है, मिनिमम हो जाती है। और वो जितना क्लोजर, इफ देवर बी ब्रॉट क्लोजर, वो अपने पास आते जाएंगी, आपके पास क्या होगा, आपके पास का रिपल्सन स्टार्ट एंड देयर फोर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिगिंस इंक्रीजेस। और जितने नजदीक ब्रॉड क्लोजर, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे से क्या चले जाएंगे दूर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, दस द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो हमारे पास आई है, ठीक है, आर इक्वल टू कब, इन फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर। तो आपके पास क्या बोला गया था, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू आपके पास किसमें, बिटवीन द टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस जिसके अंदर क्या आपको भाई, एंगस्ट्रॉम एंड पिको मीटर, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्लियर। यहाँ पे इसमें कहते हैं कि एक्सरे डिफ्रेक्शन, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहा मेजर में एक्सपेरिमेंटली करते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन इसमें करोगे आप, इसको इनको मेजर करते हो बच्चों आप, एक डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन एक्सरे डिफ्रेक्शन हमारे पास, और इसमें या इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, या आपके पास इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, या आपके पास किसको ले हम भाई, आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, उसमें हम इस चीज को बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने फॉर एग्जांपल मान रखे फर्दर आयनिक कंपाउंड ऑफ बॉन्ड लेंथ जो आपके दे रखी है, हमने आयनिक कंपाउंड दिया, इसकी बॉन्ड लेंथ हमने क्या लिया आर ए, जो सपोज दे एच सी एल ले लिया हमने, तो इसकी एच सी एल फॉर एग्जाम्पल हमने एच सी एल ले लिया, तो आर एच पॉजिटिव और आर
That is your, आपके पास क्या है कंप्लीटली डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, उसकी डिस्टेंस या रेडियस, तो आपकी दो बॉन्डेड एटम, इसको कहा बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। और इन जनरली कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, एक जनरली हम बात करें कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को दे दिया AB दे दिया, तो उसकी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या होगी D इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, इसके लिए फॉर ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ओके, ये बॉन्ड लेंथ में आपके पास सारे थे, ठीक। आर ए जो आपके पास दी गई है क्या है, दोनों के दोनों कोवेलेंट रेडियस है, और बी वन टू बॉन्डेड एटम्स के बारे में बात, फॉर एग्जांपल आपके पास कहे कि आपके पास HCl है, अब बात इसकी करते हैं, व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड, व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड बाय बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास दो चीजें, देखो हमने क्या पढ़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में, एक तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पढ़ा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच में पढ़ा, टू बॉन्डेड एटम के बीच में पढ़ा, तो सीधा से क्लियर है भाई साइज ऑफ एटम, जो फर्स्ट फैक्टर है क्या होगा साइज ऑफ एटम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, आपके पास कंपटीशन लड़ोगे तो आपके पास उसमें आएगा, कंपटीशन फाइट करना उसमें क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। साइज ऑफ एटम कहते हैं कि व्हेन द बॉन्ड लेंथ विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, क्या कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी किसके साथ साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक है। एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एक्स जो आपके पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एच आई एच बी आर एच सी एल और एच एफ इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, That is your size of atom की बात की गई भाई, जो जो एटम की साइज बढ़ेगी बोन लेंथ भी आपकी बढ़ेगी। सेकेंड फैक्टर आपके पास ये तो गया, इसमें आपके पास बोन लेंथ के हमारे पास चीज में इसमें का मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ये आपके पास, सेकेंड आपके पास मल्टीप्लिसिटी मीन्स भाई फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जितना भी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है आपके पास इंक्रीज होता है उसके साथ, तो आपके पास जो क्या होती है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी कब, जब आपके पास क्या होगा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आपके पास बढ़ते हुए चली जाएगी, ठीक है, डिक्रीज विद इसके साथ मल्टीप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल सी है, सी आपके पास और सी, ये हो गए ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया तो ज्यादा किसकी हो गई इसके पास ट्रिपल बॉन्ड, भाई ये आपके पास क्या है एक एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है बेटा, या पाई और सिग्मा हो जाता है पाई सिग्मा पाई। तो डियर फ्रेंड्स दैट विल बी टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज योर साइज ऑफ एटम विद इंक्रीज एंड दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड दैट विल बी डिक्रीजेस। नाउ योर थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, types of hybridization की बात करते हैं तो हमारे पास कहते हैं hybridization में भी आपके पास क्या होता है कि भाई s orbital जो small जो आपके पास है पहला होता है s, वो क्या होता है नियर होता है न्यूक्लियस के साथ, उसकी साइज क्या होती है छोटी होती है स्मॉलर इन साइज में, और जिसके कारण क्या होता है उसकी ग्रेटर एस कैरेक्टर, उसकी एस कैरेक्टर क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस दे हैव शॉर्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हेंस शॉर्टर इट्स बॉन्ड लेंथ, उसका ज्यादा कैरेक्टर होने के कारण किसकी एस की सबसे कम हाई हो जाती है आपके पास क्या बॉन्ड लेंथ। और आप इसमें क्या कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp2 और sp, दैट इज योर सीक्वेंस ऑर्डर, या आपके पास ऑर्डर की आपके दिस, ठीक है, sp में ज्यादा किसकी होगी हमारे पास इसका लेते हैं तो हमारे पास 25% आता है, यहाँ इसका 33% आता है, 50% आता है, क्या आता है ये s करेक्टर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जितने होते हैं कि s करेक्टर नजदीक रहता है ना नियरेस्ट न्यूक्लियस होता है, साइज छोटी होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, दैट इज योर बॉन्ड लेंथ एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड ऑन दिस। एंड फॉर एग्जांपल सम ऑफ बॉन्ड लेंथ आर गिवन एज, हम आपको बता देते हैं, फॉर एग्जांपल
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 74 पिकोमीटर, ओके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन बिटवीन क्लोरीन 199 पिकोमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास हम गए ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन जो आपके पास डबल बॉन्ड करता है 120 पिकोमीटर, ठीक है। आप पर HCl है हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में है 127 पिकोमीटर एटसेट्रा। दीज आर द सम ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर लाइज इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर यहां पे आपके पास बॉन्ड लेंथ कि भाई आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है सारे। सेकंड इज योर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी जिसको बोला आपने एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी भाई बॉन्ड एनर्जी क्या, जो ये बॉन्ड पढ़ रहे हैं हमारे पास ये सारे डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए हमारे पास द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या चीज हमारे पास वन मोल ऑफ ए बॉन्ड एट ए पर्टिकुलर आपके पास टाइप सो एज सेपरेट देम इनटू गैसियस एटम। सीधी सी बात है कि हमें वो एनर्जी चाहिए जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए, उसको कहा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है हमारे पास। तो उसमें सेपरेट का इनटू गैसेस जो हमारे पास बॉन्ड उसको का डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हुआ ये बात। तो अब कहते हैं कि भाई जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं व्हेन एटम्स कम क्लोजर टुगेदर देन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम, वो आपके बीच में अपने बीच में क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे। तो देयरफॉर क्या कहेंगे द एनर्जी इज रिलीज, उससे के बीच में जब दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ एनर्जी उनसे रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास तो दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ पर किसमें सेपरेटेड एटम में। तो उससे क्या कंक्लूड निकाला हमारे पास कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल या हमारे पास क्या कहते हैं रिक्वायर्ड टू वन मोल ऑफ ए बॉन्ड एट ए पर्टिकुलर आपके पास कहते हैं टाइप सो एज टू हमारे पास सेपरेशन इनटू द गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक एज H2Cl2O2 N2 एटसेट्रा, ये आपके पास H2Cl2O2 N2 एटसेट्रा ये आपके पास एनर्जी क्या ले रहे हैं हमारे पास या HI HBr बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है इक्वल होती है देर किसमें हमारे पास डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसमें क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी में हमारे पास बराबर इसका वृद्धि है फिक्स्ड वैल्यू, इट मींस क्या है इन सबकी वैल्यू क्या है फिक्स्ड वैल्यू, इसलिए क्या हो गई फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है आपके पास। तो ये आपके पास कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड पेयर डिफरेंट मॉलिक्यूल लाइक OH है HOH है पॉलीएटॉमिक में आपके पास OH है HOH है या हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है ये सारे कहते हैं इवन कहते हैं सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे हैव क्या आपके पास करते हैं कि भाई कि डू नॉट प्रेजेंट या प्रोसेस सेम बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारे के सारे हमारे पास नॉट सेम एनर्जी Not same bond dissociation energy. ये आपके पास केसेस है इसके भाई आपके बॉन्ड एंथैल्पी के। अब आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी हो गई इसमें आपने डायटोमिक पढ़ लिया एग्जाम्पल और कौन से लिए दूसरे आपके पास कि भाई पॉलीएटॉमिक आयंस है उनमें हमारे पास क्या है एनर्जी इक्वल नहीं है तो वहां हमारे पास एनर्जी इक्वल कहा है बॉन्ड डिसोसिएशन के कुछ एग्जांपल थे आपके। अभी आप बात करते हैं कि इनके भी सेम एसिड और बॉन्ड लेंथ की तरह ही व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड ऑन फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टेड ऑन किसको बॉन्ड
एनर्जी टू, ठीक है, वही आपके पास साइज ऑफ द एटम, जितनी साइज बड़ी होगी ग्रेटर द फर्स्ट साइज ऑफ एटम, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम, जितना ज्यादा होगा आपके पास साइज ग्रेटर रहेगा, हमारे पास बॉन्ड लेंथ एंड इज लेस एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ साइज क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है साइज, बॉन्ड लेंथ जितनी दूर जाएगी तो एनर्जी हमारे पास क्या उतनी ही हमें कम यूज करनी, क्यों, इलेक्ट्रॉन जितनी दूर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएगा उतना ही वो क्या करेगा फ्री हो जाएगा और हमें उसके लिए क्या चाहिए कम एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी सॉरी एंथैल्पी या एनर्जी क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है बच्चों कब, जब साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, क्लियर, या लेस हो जाती है हमारे पास। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड सेम एज इट, सेकंड योर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, देखो अगर एक आ रहा है ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, सेम उससे मिलते जुलते हैं, हम इनके बात करेंगे क्लियर वीक पॉइंट में, ठीक है, आपके पास बॉन्ड लेंथ हुआ है ऐसे बॉन्ड एनर्जी उसके भी वही फैक्टर चल रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड थोड़ा सा कहते हैं कि बॉन्ड बिटवीन द सेम टू एटम्स मिलता है ग्रेटर इज मल्टीप्लिसिटी, क्या कहता है कि फॉर द बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम जिसकी उसके पास क्या होगी ग्रेटर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड रहेगी, ठीक है, और उससे क्या होगा आपके पास कि भाई ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उससे जितने आपके पास मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी ग्रेटर रहेगी, ठीक है, एंड बिकॉज क्या होते हैं बिकॉज ऑफ रीजन भी है क्या है भाई कैसे है, तो बिकॉज ऑफ आप कहते हैं द कम क्लोजर एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स या कैन बी ब्रोकन इज मोर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा टूटते हैं हमारे पास एच एच ओ ओ हो गया हमारे पास एच एच ओ ओ और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो हमारे पास क्या होगी एन, बात कहां है एनर्जी ज्यादा पड़ रही है हमारे पास, ये रही आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में कि एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं एंड सेकेंडली क्या कहते हैं द नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रेकन इज मोर, तो द आपके पास क्या हो गया द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ एच टू इन केस ऑफ ओ टू इन केस ऑफ एन टू आपके पास इन द स्पॉट, ये आपके पास गिवन हो गया, ठीक है, या बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास चलाएगी। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि बॉन्ड एंगल थर्ड बॉन्ड एंगल, अब बात लेंथ हो गई एनर्जी हो गई, अब बात किसकी कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की कर लेते हैं कि एक एंगल है जिसके बीच में फॉर एग्जाम्पल एक शेप बनाते हैं भाई एक एच ये है आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसको बॉन्ड एंगल को द एंगल बिटवीन द किसके बीच में लाइंस रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास किसको ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, और किसकी डायरेक्शन को बॉन्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड की डायरेक्शन को प्रेजेंट दोज लाइन विच कैन बी रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ बॉन्ड दैट इज योर बॉन्ड एंगल, ठीक है, हमारे पास क्या कहला है बॉन्ड एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है हमने इसको किया अब आपके पास ये किया एच एच एन एस थ्री इसी के पास है एक क्या आ गया इसके पास एक लॉन्ग पेयर आ गया, ठीक है, बॉन्ड पेयर थे चार एक लॉन्ग पेयर आ गया, एक ऑक्सीजन आपके पास है एक एच है एक एच है ये आपके पास एच टू वाला हमारे पास आ गया, ये डिफरेंट टाइप दे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप इसमें डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड ये आपके पास किसमें एक्सप्रेस होता है डिग्री मिनट सेकेंड बॉन्ड एंगल हमारे पास, एंड फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल लिया सी एच फोर और एक बॉन्ड एंगल लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लिया एक आप लिया कार्बन सॉरी हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लिया एक आपने इनके बीच में लिया कि आपके पास भाई लाइज हो आपके पास ये कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और एक लिया आपने बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड लिए तो ये आपके पास बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास तीनों तीनों बॉन्ड भी है आपके पास जो दिखाए गए दे आर डिफरेंट एंड दीज आर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल है पिरामिडल शेप में है बेंट शेप में
तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फोर्थ जो आपके पास है, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात आई तो बॉन्ड ऑर्डर तो हमारे पास क्या है, किसी चीज का निकालना होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, तो मैं कुछ लिखता हुआ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है कि लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक लेविस रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल और आयंस का, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या प्रेजेंट बिटवीन द एटम, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। अब मैं एक आपके पास एक लिखता हूं, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की देखते हैं, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी भी पास एक ये याद कर लीजिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 10 हो, 12 हो, 14 हो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 16 हो, 18 हो और 20 हो, आपको इसका लेना है नाइट्रोजन। इस पे आपके पास क्या है बॉन्ड ऑर्डर, क्या कहता है बॉन्ड लाइज बिटवीन देम। हमने इसका एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन N2, N और N के बीच में 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। आपको एक पॉइंट लेना है ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है, 3 हो गया हमारे पास N2। अब इससे आप एक एक कम कर दीजिए, नीचे जाएंगे इसका लिख दीजिए 2, इसका लिख दीजिए 1 हमारे पास, एंड 20 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास चले गए इस पे लिख दीजिए इसका 0 बॉन्ड ऑर्डर। यहां हमारे पास 3 थे, ये कम कर दीजिए 2 और ये आ गया ये आपका बॉन्ड। सीधी सी ट्रिक है कि आप इसको याद करो, खाली नाइट्रोजन को देखिए आपके पास क्या है, इसका 3 बॉन्ड है, एग्जांपल 3 लिया तो आप N2, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, यानी कि द बॉन्ड लाइज बिटवीन एटम, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। अब इस 3 से एक कम कर दीजिए, अब हमारे पास देखिए इनके बीच में आ रहा है, इसके बीच में तो आ रहा है 2.5, इनके बीच में आ रहा है 1.5, ये बॉन्ड ऑर्डर इनके बीच में आ रहा है हमारे पास। क्लियर है आपके पास ये भाई किसका है, ये 1.5, 10 पे तो इंडियम है, नियोन है, तो ये किसका हो गया, सोडियम का हो गया। 13 पे क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम हो गया। अब इसके पास 14 पे यहाँ पे फास्फोरस है, तो उसका लिख दीजिए 2.5। अब फास्फोरस है यहाँ पे हमारे पास क्या, क्लोरीन है, उसका लिख दीजिए 1.5। और यहाँ आपके पास क्या है, पोटासियम है, उसका लिख दीजिए 0.5। ये फ्रैक्शन में आ जाता है, तो सीधी सी ट्रिक है आपके पास कि आप इनको याद कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन 3, उससे नीचे जाओ एक कम कर दो, उससे ऊपर जाओ एक कम कर दीजिए, तो दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंटेन करते हैं, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर, इनसे हमारे पास एक चीज तो आपके पास आ रही है, रिलेशन आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कहीं निकाल सकते, बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी आपके पास रहेगा बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। अब हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्ड हमारे पास कह रहा है कि क्या पढ़ा आपने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फोर्थ पढ़ा आपने बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके प्रोपोर्शन किसके है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/ बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करते भाई हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने देखते हैं O2 नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 O2 पॉजिटिव, देखिए आपके पास चलते जा रहे हैं O2 2 पॉजिटिव, ये लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ये लिया O2 O2 हमारे पास। अब हमें दिखाना है किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे इसमें मिनिमाइज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर किस वे से इनिशियलाइज कर रहा है, निकालना है। और आप लोगों के पास ये रखी हुई है माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ आपको लिख कर दिखा रखा है यहां पे। O2 नेगेटिव हमारे पास कहां जा रहा है, O2 हमारे पास लाइज कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 16 एक ऑक्सीजन में क्या होता है 8, और 8 कितने हो गए 16, 2 इसमें हो गए 18, इसके अंदर कितने हो गए, इसमें हो गए 17। देखिए एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, दो में हो गए 16, एक गेन किया 17 हो गए, इसमें कितना हो गए 16, इसमें कितने हो गए 15, और इसमें कितने हो गए 14। दैट इज क्लियर।
देखिए आपका एक क्वेश्चन में आठ होते हैं तो दो के सोलह है और दो ऊपर नेगेटिव है गेन के, तो आपके पास दैट इज योर क्लियर भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 है, 17 का 1.5 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2.5 है, यू कैन राइट, आप लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर किसका हमारे पास बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज दिस। तो आप इस तरीके से आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर और इसमें निकाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इस चीज के साथ साथ एक चीज छोटी सी और बात आ जाती है हमारे पास कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ जाए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक एज 1, 3, 5 मीन्स मैं कह रहा हूं जिसके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए वो आपके पास क्या होते हैं पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जिसके अंदर इवन आ जाए इवन इलेक्ट्रॉन, बट कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि ऑल हमारे पास इवन आर नॉट पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक, ऑल आपके इवन से डायमैग्नेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि भाई आपके पास B2O2F ये ले लिया हमने, अब भाई B में हमारे पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, 10, 16 और 18, बट बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास क्या है इकोबॉस के नाम से याद करो भाई, BOS सल्फर है हमारे पास, सॉरी सल्फर फ्लोरीन सल्फर S2 है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने हैं 32 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हो गए बॉस, बॉस याद कर सकते हो बॉस से, ये आपके पास कह रहा है शो कर रहा है कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास शो करोगे दिखाओगे तो आपके पास कह रहा है एक्सेप्ट इसमें तो 16 देखो 10 16 32 आ रहे हैं, दैट इज नॉट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, इनके बारे में वी आर डिस्कस अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। ये आप यू कैन डू इजिली हमारे पास कर सकते हो और आप निकाल सकते हो, किसी के भी आप बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हो और इसी प्रकार आप इसमें पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को भी कर सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ जाए आपस में उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, और जिसमें H2Cl2Br2O2 सिमिलर एटम्स आर कम क्लोजर, दे आर नॉन पोलर कंपाउंड। तो माय डियर फ्रेंड दैट इज वेरी इजी ऑर्डर वे टू लर्न बॉन्ड ऑर्डर, आप किसका नाइट्रोजन का याद कीजिए, आप एक एक कम कर दीजिए, दैट इज योर टुडेज टॉपिक एंड बी एंजॉय with your the literature and with your chemistry. Thank you, sir.